आपकी एक्टिंग को तो मैं शुरू से ही पसंद करती थी मंशा, लेकिन जो है जैसे देखते देखते जो आप कपड़े पहन रही होती हो जिस वक्त के लिहाज से, वो मैं बड़ा देख के मैं हमेशा इसको मैसेज भेजती हूँ, वाओ यार जबरदस्त साड़ी, जबरदस्त सलवार कमीज, मतलब मौके के मुनासिबत से बड़ी अच्छा वेल ड्रेस्ड माशाल्लाह आप हमेशा रहती हैं। अच्छा, लेकिन इसको बड़ा टाइम लगा क्योंकि मेरी अम्मी हमेशा मुझे यही टोकती थी कि तुम मौका देख के नहीं तैयार होती मंशा। अच्छा, हमेशा वो कहती थी कि जिस मौके पे तुम्हें जरा ज्यादा तैयार होना चाहिए, उस दिन तुम्हारा मूड नहीं होता तो तुम बस ऐसे ही चली जाती हो, और जिस दिन जो कहे तुम्हारा मूड होता है और वो फिर इतनी कोई बड़ी चीज ही नहीं होती है और तुम ज्यादा तैयार होकर जाती हो। तो अब मैंने जरा इस बात पे गौर किया है। अम्मा दोनों डॉक्टर है ना तुम्हारे? जी, अब्बा जब जिंदा थे तब डॉक्टर थे, अम्मा डॉक्टर है लेकिन अब रिटायर्ड है। तो अम्मा अब्बा ने फोर्स नहीं किया था मंशा को कि तुमने भी मेडिकल करना है, हम दोनों डॉक्टर? मेरी एक बहन है डॉक्टर। अच्छा, मेरे घर में हर कोई डॉक्टर है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। मेरी खाला डॉक्टर है, मेरी मामी डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, मेरी अम्मी डॉक्टर है, मेरे अब्बा डॉक्टर थे, मेरी पुप्पी भी डॉक्टर हैं। तो बहुत ही डॉक्टर्स हो गए, तो मैंने सोचा कि बस। और अक्सर ये होता है कि चलो खुद को मेडिकल नहीं कराया यानी, तो दमाद तो डॉक्टर ढूंढते हैं लेकिन दमाद भी डॉक्टर नहीं, दमाद लॉयर। तो वो फोर्स नहीं किया गया तुम्हारे ऊपर कि तुम मेडिकल पढ़ो? नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा, उनको लगा कि मेडिकल में जाएगी तो कुछ गलती कर लेगी, लोगों की जिंदगी इधर से उधर हो जाएंगी, लोगों को खतरा हो जाएगा इससे, तो उससे बेहतर इसको ऐसा ही काम कराए जो ये कर सके। Assalamualaikum everyone. Please subscribe to AIRY Digital's YouTube channel and stay connected to all the news and updates.